इस गाड़ी का जो प्राइस मैंने आपको बताया वीडियो के एंड में बताऊंगा, हैचबैक से भी सस्ता होने वाला है, प्रीमियम हैचबैक से भी सस्ता होने वाला है ये गाड़ी का प्राइस है। तो आपके लिए ये शानदार, फिर से दिखा रहा हूँ, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक विटारा ब्रेजा ZDI। तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं, 29,000, उसमें भी नेगोशिएशन हो जाएगा। तो आप दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं A6 Enterprise में वाइड रेंज ऑफ कार कलेक्शन लेके। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं ऑडी माराजो जैसा बहुत सारा गाड़ी, मारुति सुजुकी बेलेनो जैसा बहुत सारा गाड़ी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके मेरे को बताइए, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि काफ़ी सारा लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको A6 Enterprise का वीडियो पसंद आता है, गाड़ी पसंद आता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप अपना पसंदीदा गाड़ी बुक कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का ये ग्रैंड कलेक्शन का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला गाड़ी आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं ऑडी A4 रेड कलर का, बहुत ही शानदार गाड़ी, 2 लीटर TDI BS4 गाड़ी है, तुमलुक रजिस्ट्रेशन ये गाड़ी है, ऑडी A4 जनवरी 2012 का ये गाड़ी है, और टैक्स इसका 2022 तक है, इंश्योरेंस अप टू डेट है। और ऑडी में आपको जो फीचर्स मिलेगा A4 में, उसके बारे में अगर आपको कुछ भी डिटेल्स पता करना है तो यूट्यूब में काफ़ी सारा रिव्यूज़ है, आप देख सकते हो। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, ये बस एक प्री ओन्ड कार का वीडियो है, तो इसलिए मैं प्री ओन्ड कार के बारे में बात करूँगा क्योंकि बहुत लोगों का ये क्वेरीज है कि आप रिव्यू बना दे रहे हो प्री ओन्ड कार वाला वीडियो को, तो मैं वो बताना नहीं चाहता हूँ और काफ़ी टाइम भी उसमें वेस्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको एक बार वॉक अराउंड दिखा देता हूँ, रेड कलर में है, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट है, टायर बिल्कुल अच्छा कंडीशन में है, क्रोम गार्निशिंग है, और बाकी ऑडी में आपको जो फीचर्स मिलेगा A4 में जैसे मैं आपको बताया आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं डिटेल्स पे फोकस करता हूँ, तो ये तुमलुक RTO में रजिस्टर्ड है, 9 साल और 7 महीना पुराना ये गाड़ी है, 2022 तक का इसका इंश्योरेंस अप टू डेट है, टैक्स अप टू डेट है टिल 2022 तक, PUC इसका अप टू डेट है, और ये डीजल वेरियंट है A4 में, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छा बात है। अगर मैं किलोमीटर के बारे में बात करूं तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा किलोमीटर अभी तक कवर नहीं किया है। उससे पहले मैं आपको इंटीरियर दिखाना चाहता हूं एक बार, आप देख सकते हैं बहुत ही फ्रेश एंड बहुत ही सुंदर इस गाड़ी का इंटीरियर है, और एक हाई क्लास वाला गाड़ी है। और प्राइस मेरे को नहीं लगता आप इस बार बोलोगे कि प्राइस बहुत महंगा है, इसका जो प्राइस है और मैं बाद में थोड़ा रिवील करता हूँ, मतलब इस वीडियो के एंड में, ये जो ऑडी का जो प्राइस है, ये प्राइस जानने के लिए वीडियो का एंड तक आपको बने रहना पड़ेगा, और वीडियो के एंड में आपको इस गाड़ी का प्राइस के बारे में पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये है 2012 का गाड़ी, 43,000 किलोमीटर ड्रिवन है, सेकेंड ओनर ये गाड़ी है, कोई भी छुपा हुआ नहीं है, आप सामने मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ, सेकेंड ओनर में है ये गाड़ी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जैसे आपको पता है, रेड कलर में ये गाड़ी है, कोलकाता रजिस्ट्रेशन है, और प्राइस के लिए एंड ऑफ द वीडियो में बने रहिए क्योंकि प्राइस जो होने वाला है, प्राइस एक हैचबैक का जो प्राइस है उसके आसपास में ही होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्राइस है ही नहीं। हैचबैक के प्राइस में आज ऑडी आपको A6 Enterprise ऑफर कर रहा है, तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिए, वीडियो के एंड में आपको सरप्राइज मिलेगा, ऑफर मिलेगा, और वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा इस गाड़ी का प्राइस। तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं, ये गाड़ी है बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड गाड़ी, टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो सबका एक ड्रीम रहता है, और ये ड्रीम भी पूरा होगा आज A6 Enterprise में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइट वॉशर से लेके, ये जो टॉप मॉडल है फॉर्च्यूनर का, वो वाला फॉर्च्यूनर ये है, एंड बहुत ही मतलब मस्कुलर एक गाड़ी, एंड जिसको मतलब फॉर्च्यूनर लेना है, अभी फॉर्च्यूनर का ऑलमोस्ट 45-46 लाख का प्राइस है, लेकिन जिनको थोड़ा सस्ता में फॉर्च्यूनर चाहिए उनके लिए ये फॉर्च्यूनर है। देखिए अभी आज अगर आप क्रेटा भी लेने जाएंगे ना टॉप मॉडल, तो आपको करीब करीब 16-17 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्च्यूनर का प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, और गाड़ी के बारे में पहले बता दे रहा हूँ, ये है 2013 का 4x2 फॉर्च्यूनर, और इसका जो मॉडल है, इसका जो वेरियंट है, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरियंट है, D4D 3 लीटर इंजन के साथ ये आता है, और ये ऑटोमेटिक फॉर्च्यूनर है, ये मैनुअल वाला फॉर्च्यूनर नहीं है। वाइट कलर में गाड़ी है, कोलकाता रजिस्ट्रेशन ये गाड़ी है, 55,000 किलोमीटर ये गाड़ी ड्रिवन है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिक फॉर्च्यूनर है, चारों व्हील आप देख पा रहे ऑलमोस्ट न्यू है, 60-70% ऑलमोस्ट सभी व्हील में बचा हुआ है,
एंड ऑटोमेटिक है, वाइट कलर में है, 12/7 रजिस्ट्रेशन ये गाड़ी है। इंश्योरेंस अपडेट है इस गाड़ी का। अगर मैं इस गाड़ी का थोड़ा इंटीरियर आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं ना, इंटीरियर देखिए कितना ज़्यादा फ्रेश है। और जैसे ये 3 लीटर ऑटोमेटिक है तो इसमें सब तरीके का फीचर्स आपको मिलेगा, चाहे वो आपका सभी पावर विंडो का कंट्रोल, ये सब तो बेसिक कंट्रोल है। यहाँ पे सब तरीके का फीचर्स आप देख सकते हैं। ये सीट देखिए 55,000 किलोमीटर का ये पहचान है कि ये सीट अभी तक नहीं फटा। या आप ब्रेक पैडल या एक्सलेटर पैडल भी देखेंगे, ये भी बिल्कुल मेंट कंडीशन में। प्राइस बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल होने वाला है, और हर एक गाड़ी में प्राइस नेगोशिएशन का ऑप्शन है। इसमें देखिए ये आपका ऑटो एडजस्टेबल सीट वगैरह के ऑप्शन है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है। D4 जो वेरिएंट आता था फॉर्च्यूनर का 3 लीटर इंजन के साथ, वही वाला फॉर्च्यूनर ये है। एंड जिनको मतलब एक फॉर्च्यूनर चाहिए, एक फॉर्च्यूनर जैसा फील वाला कोई गाड़ी चाहिए, और सस्ता में गाड़ी चाहिए, मेन बात है सस्ता में गाड़ी चाहिए, फॉर्च्यूनर का फील ये आज भी वही देगा जैसे था। ग्राउंड क्लियरेंस मतलब देखिए, प्लेटफॉर्म फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट अपडेट हुआ, लेकिन प्लेटफॉर्म अभी भी वही है। प्लेटफॉर्म में एज सच कुछ चेंजेस नहीं हुआ, भले इंजन थोड़ा ज़्यादा रिफाइन हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह सब कुछ है। और जिनको ऑटोमेटिक एक बढ़िया गाड़ी चाहिए, और ये गाड़ी का आस्किंग प्राइस आज के डेट में A6 एंटरप्राइज में है सिर्फ 13,99,000, उसमें भी नेगोशिएशन हो जाएगा। तो आप ये गाड़ी का भी नेगोशिएशन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, जल्दी से फ़ोन घुमाइए और आप अपना ये पसंदीदा वाइट कलर का फॉर्च्यूनर आप बुक कर सकते हो। नेक्स्ट जो गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है मारुति सुजुकी वैलेनो अल्फा BS4 में ये गाड़ी है। 5 साल और 9 महीना पुराना ये गाड़ी है। डीजल सेगमेंट में ये गाड़ी है, जो कि अगेन मैं हर बार बताता हूँ कि मारुति अभी डीजल गाड़ी नहीं बनाता है, तो डीजल गाड़ी आपको मिलने का कोई चांसेस नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं इस गाड़ी का आपको थोड़ा सा इंटीरियर दिखा देता हूँ। इस गाड़ी का इंटीरियर है, अगर मैं इंटीरियर का बात करूँ, अगर पीछे का सीट भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको लेग स्पेस वगैरह आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक बार फिर से मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ, यह है मारुति सुजुकी बैलेनो। कलर बहुत ही शानदार है, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में है ये गाड़ी। अगर मैं आपको थोड़ा बूट भी दिखाऊँ तो इस गाड़ी का बूट स्पेस भी बहुत ही ज़्यादा है, और इसका जो डेप्थ है वो भी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली मैं कार रिव्यू करता था पहले, तो मेरे को थोड़ा बहुत रिव्यू का है, बट मैं धीरे धीरे करके वो डेवलप कर रहा हूँ ताकि मैं ये रिव्यू वाला हिसाब किताब ना जाए। बाकी अगर फिर से मैं आपको ओवरव्यू एक बार बता दूँ, यह है 2015 का मारुति सुजुकी बैलेनो 1.3 अल्फा वेरिएंट। डीजल में है ये गाड़ी, 29,000 किलोमीटर चला हुआ है, मैनुअल में है ये गाड़ी, और फर्स्ट ओनर है। कलर जो है, कलर उसका बेज सिल्वर कलर जो भी है, इसका SS कलर बोला जाता है, मारुति का कोड नेम आई गेस। कोलकाता रजिस्ट्रेशन है ये गाड़ी। प्राइस जो है, प्राइस बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव होने वाला है। प्राइस है सिर्फ 5,25,000 में आप अपना बना सकते हो ये बैलेनो अल्फा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कीजिए, नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। जो गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यह है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा ZXI प्लस 2020 का। यह गाड़ी है सिर्फ 9000 किलोमीटर ड्रिवन है भाई साहब, सिर्फ 9000 किलोमीटर चला हुआ है। टायर का कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल मिंट कंडीशन का टायर है। अगर पहले मैं थोड़ा सा आपको इंटीरियर दिखाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो ब्रेजा दिखाऊंगा, एक ऑटोमेटिक भी दिखाऊंगा ZDI, जो कि कहीं पर मिलता ही नहीं है। इंटीरियर आप देखिए, बिल्कुल फ्रेश इंटीरियर है, फर्स्ट ओनर है, दिसंबर 2020 का रजिस्टर्ड है। इंश्योरेंस 2023 तक है भाई साहब, अभी भी बहुत बाकी है, इंश्योरेंस तो अभी भी बहुत टाइम है। टैक्स 2025 तक है इस गाड़ी में, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2020 का गाड़ी है। और सबसे खास बात है इस गाड़ी में डॉक्टर यूज्ड कार। देखिए इतना बारिश में हम लोग आपको बढ़िया कॉन्टेंट देने के लिए हर दूर, हर एक जितना भी दूर होगा डीलर के पास हम जाते हैं, इतना इतना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो वीडियो को लाइक किया करो दोस्त, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं सब आप ही के लिए, आपके पास अच्छा गाड़ी पहुंच पाए, इसी के लिए सिर्फ इतना मेहनत मैं करता हूँ, हर एक जगह पे जाता हूँ। सिर्फ मैं नहीं, जो भी सेकेंड हैंड कार्स के ऊपर जो भी वीडियो बनाता है, सब कोई इतना मेहनत करता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मस्ट है, प्लीज़ कर दिया करो। इससे मैं एक बार आपको ओवरव्यू फटाफट बता देता हूँ इस गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा ZXI प्लस, सिरमपुर रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ 9 महीना पुराना यह गाड़ी है। ग्यारह दिसंबर 2020 में ये गाड़ी रजिस्टर्ड हुआ। अगर मैं लेता तो मैं 2021 में रजिस्टर करता, थोड़ा दिन और 10-15 दिन का हिसाब किताब था इधर पे। और अगर मैं टैक्स के बारे में बात करूँ तो 8 दिसंबर 2025 तक टैक्स है। इंश्योरेंस 7 दिसंबर 2023 तक है। पॉल्यूशन 17 दिसंबर 2021 तक है। और प्राइस जो है
प्राइस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल मेरे को लगा, क्योंकि गाड़ी अब आई है आपको ऐसे ओवर प्राइस लगा, बम्पर टू बम्पर एक पैनल मतलब 2 इंच भी इस गाड़ी में पेंट नहीं है, कभी चला ही नहीं है पेंट। और प्राइस जो है A6 एंटरप्राइज का डिमांड है 9 लाख। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और नंबर पे फोन कीजिए और ये शानदार विटारा ब्रेजा ZXi प्लस अपना घर पे लेके जाइए। तो चलिए और एक ब्रेजा देखते हैं, ये भी एक बहुत ही ज्यादा डिमांडेड गाड़ी है, मारुति सुजुकी वेटारा ब्रेजा, 15,000 किलोमीटर चला हुआ है, डीजल ऑटोमेटिक जो कि मिलता ही नहीं है। आप मेरे को ढूंढ के दिखा देना डीजल ऑटोमेटिक, मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आया, जिनको ब्रेजा चाहिए डीजल में चाहिए ऑटोमेटिक चाहिए उन्हीं के लिए ये है। और ऑटोमेटिक का पहचान है 70 मैट्स लगा हुआ, इंटीरियर बहुत ही ज्यादा शानदार है, इसके ऊपर आप सिर्फ एक फिल्म लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ड्यूअल टोन हो जाएगा, फिल्म या रैप जो भी है। फर्स्ट ओनर है, हावड़ा रजिस्ट्रेशन है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में बात करूँ तो 22 अप्रैल 2019 में ये गाड़ी रजिस्टर्ड हुआ है, इंश्योरेंस अप्रैल 2022 तक है, PUC सितंबर 2021 तक है, टैक्स 15 अप्रैल 2024 तक है। फुल गाड़ी ये भी दो एक पैनल को छोड़ के फुल गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है, बहुत ही शानदार कंडीशन में है। अगर ये गाड़ी भी आपको ख़रीदना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा A6 एंटरप्राइज में, क्योंकि इतना सुंदर गाड़ी आपको A6 एंटरप्राइज में ही मिलेगा और कहीं पे मिलेगा ही नहीं। फिर से मैं फटाफट आपको एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ, मारुति सुजुकी वेटारा ब्रेजा ZDI AMT ऑटोमेटिक, हावड़ा रजिस्ट्रेशन है, डीजल है, 2 साल 4 महीना पुराना यह गाड़ी है, अप्रैल 2019 में ये गाड़ी रजिस्टर्ड हुआ है, 5 अप्रैल 2022 तक इस गाड़ी का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, सितंबर 2021 तक इसका PUC है, टैक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 15 अप्रैल 2024 तक इस गाड़ी का टैक्स है, 15,000 किलोमीटर ड्रिवन है एंड हावड़ा रजिस्ट्रेशन है ये गाड़ी। और प्राइस जो आस्किंग है 8,50,000, जिसमें लोन और एक्सचेंज आपका दोनों हो जाएगा। तो फटाफट यार वेट करके क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस नंबर पे फ़ोन करके अगर आपको पसंद आता है तो आपके लिए ये शानदार, फिर से दिखा रहा हो, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक विटारा ब्रेजा ZDI। तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं, नेक्स्ट जो गाड़ी है ये गाड़ी है महिंद्रा मराजो, और बिल्कुल मिंट कंडीशन में है ये गाड़ी। और पहले आइए मैं आपको माराजो का थोड़ा इंटीरियर का ओवरव्यू और लुक्स आपको दिखा देता हूँ। माराजो में आपको मिलेगा इस टाइप का AC वेंट, जिसका जो AC है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बहुत लोगों को लगता है, लेकिन बहुत लोग बोलता है इसका AC बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका जो रूफ है वो बहुत कुशनिंग है इसका रूफ। और ये गाड़ी जो है ये गाड़ी सिर्फ 15,000 किलोमीटर ड्रिवन है, 8 सीटर ये गाड़ी है, M6 प्लस जो कि इसका मिड वेरियंट आता है, M6 प्लस वेरियंट ये गाड़ी है। आइए मैं आपको पहले पीछे से इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ। अगर आपको एक सस्ता में एक मतलब गाड़ी चाहिए जो आपको इनोवा के तरह ये आपको फील देगा, वो गाड़ी है माराजो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना स्पेस है, यहाँ पे लाइट वगैरह है, और अगर आप इसको डाउन कर देंगे तो आपको और भी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको इसका की भी दिखाना चाहता हूँ, इसका की में भी देखिए आपको यहाँ पे अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये जो बूट है ये अनलॉक हो जाएगा, मतलब ये सिर्फ अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पे M6 प्लस का ये बैजिंग है, एलॉय व्हील जो M6 वेरिएंट में आता है, आगे पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक आता है। तो ये वाइट कलर में ये गाड़ी है, और ये गाड़ी का जो डिटेल्स है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, महिंद्रा माराजो 8 सीटर है, M6 प्लस वेरियंट है ये गाड़ी, 10 महीना पुराना ये गाड़ी है, और इंश्योरेंस इसका 2023 तक है, टैक्स इसका 2025 तक है, सामने आपको DRL प्रोजेक्टर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, मतलब बिल्कुल गाड़ी बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट है, पॉल्यूशन इसका 2022 तक है। पॉलिश गाड़ी का बहुत ही अट्रैक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ 11 लाख में आपको मिल जाएगा ये गाड़ी, लोन वगैरह सब कुछ हो जाएगा। फिर से मैं डिटेल्स आपको बता दे रहा हूँ, महिंद्रा माराजो M6 8 सीटर वेरियंट है, 2020 की गाड़ी है, 15,000 किलोमीटर ड्रिवन है, डीजल मैनुअल में है, वाइट कलर में ये गाड़ी है, साउथ 24 परगोना का रजिस्ट्रेशन ये गाड़ी है। और नंबर इसका अगेन देखिए, नंबर भी बहुत यूनिक है। तो अगर आपको ये गाड़ी भी पसंद आता है तो A6 एंटरप्राइज में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस नंबर पे कॉल करके आप ये माराजो भी बुक कर सकते हो। तो जल्दी से फ़ोन घुमाइए और ये माराजो भी आप बुक कीजिए। जो गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, ये भी मारुति की तरफ से गाड़ी है, बहुत ज़्यादा डिमांडेड गाड़ी है, मारुति स्विफ्ट VDI। अब स्विफ्ट VDI तो मिलता ही नहीं है, मैं आपको बार बार बताता हूँ हर एक वीडियो में, क्योंकि बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो पहले मैं थोड़ा आपको इंटीरियर दिखाना चाहता हूँ। तो इंटीरियर काफ़ी बढ़िया है, 2014 का डीजल VDI है, 35,000 किलोमीटर चला है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, फर्स्ट ओनर है, रेड कलर है,
हावड़ा रजिस्ट्रेशन है ये गाड़ी, एंड बहुत ही बढ़िया कंडीशन में ये गाड़ी है। अगर नंबर भी मैं आपको दिखाऊँ तो 0450 एक बढ़िया नंबर है इस गाड़ी में। 7 साल पुराना है ये गाड़ी। और अगर रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में मैं बताऊँ तो 12 सितंबर 2014 में ये गाड़ी रजिस्टर्ड हुआ है। 18 अक्टूबर 2021 तक इस गाड़ी का इंश्योरेंस भी वैलिड है। नवंबर 2021 तक इस गाड़ी का PUC भी वैलिड है। बहुत ही बढ़िया कंडीशन है, आप देख ही सकते हो। एक ओवरव्यू, एक वॉक अराउंड मैंने आपको दिया। टायर का कंडीशन आप देखिए, टायर का कंडीशन बहुत बढ़िया है। आफ्टर मार्केट इसमें टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसा फीचर्स। तो आपको आज के टाइम में भी थोड़ा मॉडर्न वाला फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलेगा। अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाला है, क्योंकि गाड़ी के कंडीशन के ऊपर गाड़ी का प्राइसिंग होता है। तो ये गाड़ी भी लेने के लिए आपको आना पड़ेगा A6 एंटरप्राइज में। अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 4 लाख में आप बना सकते हो ये स्विफ्ट VDI। उसमें भी अगर आपको फाइनेंस वगैरह कराना है, एक्सचेंज वगैरह कराना है, तो वो भी हो जाएगा। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए, उसमें नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल करके ये शानदार गाड़ी आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट जो गाड़ी है ये हुंडई की तरफ से एक बहुत ही प्रीमियम सेडान है। यह है हुंडई एलेंट्रा 2.CRDI इंजन के साथ ये गाड़ी आता है। बहुत ही शानदार गाड़ी है। जस्ट अभी ये गाड़ी जस्ट अप्रोच हुआ है A6 एंटरप्राइज में, तो इस गाड़ी का भी साफ सफाई का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा सच कुछ काम नहीं होता है, बस साफ सफाई का काम होता है, क्योंकि गाड़ी इतना प्रीमियम कंडीशन में आता ही है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। अगर मैं इंटीरियर आपको दिखाऊँ तो इंटीरियर बहुत ही प्यारा है एंड बहुत ही कंफर्टेबल ये गाड़ी है। एंड ये गाड़ी का जो प्राइस है वो भी बहुत आज के टाइम में अट्रैक्टिव होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस गाड़ी का डिटेल्स वगैरह थोड़ा बहुत बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बूट दिखा देता हूँ। एलेंट्रा का जो बूट है बहुत बड़ा बूट स्पेस है, तो मैं ओवरव्यू आपको फिर से एक बार शॉर्टकट में बता देता हूँ। ये है हुंडई एलेंट्रा 2.0 CRDI, तोमलुक रजिस्ट्रेशन है, 7 साल 9 महीना बस पुराना यह गाड़ी है। डीजल में है, दिसंबर 2013 का यह गाड़ी है। इंश्योरेंस इसका सितंबर 2021 तक है। PUC इसका 2021 तक अप टू डेट है। टैक्स टिल 2023 तक इस गाड़ी का अप टू डेट है। वाइट कलर में गाड़ी है, बम्पर टू बम्पर ऑलमोस्ट ओरिजिनल पेंट है, थोड़ा बहुत टचअप है दो एक पैनल, बट ओवरऑल गाड़ी बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है। अगर मैं आपको किलोमीटर के बारे में बात करूँ तो ये गाड़ी बहुत ही कम चला है। ये गाड़ी सिर्फ 43,000 किलोमीटर ये गाड़ी ड्रिवन है, जो अगेन एक काफ़ी अच्छा बात है। आफ्टर मार्केट क्रोम गार्निशिंग वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, कंडीशन बहुत ही बढ़िया है। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ गाड़ी का ऐड डाला था, वो सब मैं आपको थोड़ा सा जल्दी दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले इस गाड़ी का प्राइस जो है, इस गाड़ी का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 5 लाख। और लास्ट वीडियो में कुछ कुछ गाड़ी का हमने वीडियो बनाया था, जैसे टोयोटा इनोवा, ये हमारा एक सब्सक्राइबर ने खरीदा, तो वेलकम। ये गाड़ी बिक चुका है। उधर TUV ऑलरेडी बिक चुका है, उधर स्विफ्ट ऑलरेडी बिक चुका है। तो ऑलमोस्ट बहुत सारा गाड़ी सोल्ड आउट हो गया, उधर पे भी 2-3 और गाड़ी सोल्ड आउट हो गया। तो जिन्होंने गाड़ी खरीदा सबको बधाई हो, बहुत प्यार से गाड़ी चलाई है, सीट बेल्ट पहनी है। और इस वीडियो में जो खास मैंने आपको बताया था उस ऑडी के बारे में, तो चलिए जल्दी से ऑडी के सामने चलते हैं। इस गाड़ी का जो प्राइस मैंने आपको बताया, वीडियो का एंड में बताऊंगा, हैचबैक से भी सस्ता होने वाला है, प्रीमियम हैचबैक से भी सस्ता होने वाला है। ये गाड़ी का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 11 लाख में। आप अपना घर पे लेके जा सकते हो शानदार रेड कलर का चमचमाता हुआ ऑडी A4। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके मेरे को बताइए, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, अपना भाई का चैनल है। तब तक के लिए अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए, कार चला रहे तो सीट बेल्ट जरूर पहनिए, सेफ रहिए, सेफ चलिए। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नया और अनोखा वीडियो के साथ। बाय बाय।